ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो अपनी अब लॉजिक है ना, उसको एक्सप्रेस करना है आपने। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टास्क आपके लिए इन्वॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ वो प्रोग्राम खत्म ना करे। होता बता गया है? देखिए, आप यहाँ पे प्रोग्राम चलाते हैं, आपने कहा जी इस नंबर का टेबल जनरेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी इस नंबर का टेबल जनरेट करो, टेबल जनरेट हुआ, स्टॉप हो गया। मैं चाहता हूँ ये मुझसे वो पूछ ले कि जनाब आप दोबारा तो नहीं टेबल चलाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार कम से कम टेबल चलानी है तो डू यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहां पे करें, क्या करेंगे जी, डू और यहां पे ये दो दो स्टेटमेंट है, इनको आप ले आएंगे बॉडी के अंदर। एक लूप के अंदर एक और लूप लगा रहा हूं मैं व्हाइल। अब यहां पे चेक कर लें, अब यहां पे चेक क्या करना है, ये कर दिया, उसके बाद आपकी ये सारी बॉडी लूप की जो है वो इसके बाद प्रिंट हो गई और उसने आपका जो है वो टेबल प्रिंट कर दिया पूरा। अब उसके बाद आप उसको कह दें सी आउट ई एन डी एल, डू यू वॉन्ट टू जनरेट मोर टेबल्स, क्या आप मोर टेबल्स जनरेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप कह देंगे जी प्रेस 1 4 यस, और यहां पे कह देंगे जी प्रेस 2 4 नो। जैसे वो यस प्रेस करेगा तो वो कंटिन्यू कर देगा, नो प्रेस करेगा, टू प्रेस करेगा तो वो नो पे चला जाएगा। और यहां पे एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा, लोकल वेरिएबल। मैं यहां पे वेरिएबल एक ले लेता हूं, ENT या एंट्री कह लें या विश कह लें, विश कर लें ज्यादा बेहतर है, विश का वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे सीन करवा लूंगा विश के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ विश इक्वल इक्वल 1, तो क्या करो, एक वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं जी स्टार्ट, इसको फिलहाल अभी 0 सेट करता हूं मैं। और कंडीशन हम कर देते हैं कि जी स्टार्ट जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, स्टार्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये चलेगा, ठीक है। अभी हमने 0 सेट किया, ग्रेटर देन 0 होगा तो वो लूप चलती रहेगी, ठीक है। अब या आप कह लेंगे जी इसको आपने 1 कर दें, चले आपकी चॉइस के लिए कर देता हूँ। विश इक्वल टू 1, अगर तो 1 होता है तो क्या करोगे कि आप स्टार्ट को नहीं छेड़ोगे, स्टार्ट को आप नहीं छेड़ेंगे। अगर ये कंडीशन एल्स पे आती है, ठीक है, यहां पे इस सूरत में क्या होगा कि आप कह देंगे कि जी आप ये समझ लेंगे, चले जी 1 पे तो उसने हाँ कर दिया ना, आप 2 पे चेक कर लें जी, अगर 2 होता है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट को आप 0 सेट कर देंगे। स्टार्ट को जब 0 सेट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट को जब 0 सेट करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर निकल आएगा। अब यहां पे इस सूरत में आपने चेक किया कि इफ विश 2 आ गई, ठीक है। अब आप कह देंगे यहां पे इफ विश इक्वल इक्वल 1, अगर ये 1 होता है तो ठीक है, खाली छोड़ दें ब्रैकेट्स को, और अगर ये 1 नहीं होता तो उस सूरत में आप इसको मैसेज दे दें ENDL प्लीज ट्राई अगेन, यू एंटर इनकोरेक्ट वैल्यू, आपने इनकोरेक्ट वैल्यू एंटर की है, लिहाजा ट्राई अगेन करें। अब लॉजिक है ना, जिस तरह से आप बनाना चाहें, मुझे जो अच्छा लगा, जो चीजें समझ आई थी मैंने कर लिया। मैं कहता हूँ कि 6 का टेबल जनरेट किया, उसने 6 की टेबल जनरेट कर दिया, वो कहता है डू यू वॉन्ट टू जनरेट मोर टेबल्स, मैं गलती से 8 एंटर करता हूँ, उसने क्या कहा प्लीज ट्राई अगेन, यू एंटर इनकोरेक्ट वैल्यू, एंटर नंबर ऑफ टेबल। अब वो टेबल पे दोबारा ले आया, आपको होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था कि वो आपको ऑप्शन पे लेके जाता, वो लेके आ गया टेबल पे। चले इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हो ये रहा है कि आपका ये जो विश वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये डू वाइल के अंदर है, एक बार तो कम से कम चलना है, तो आप एक काम करें इसको निकालें और लूप से बाहर ले जाएं, यहां पे इतने पोर्शन को जिसमें आप एंटर नंबर कर रहे हैं और अपना सीन करवा के आप टेबल जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला काम तो एक बार हो गया,
एक बार तो ये काम हो गया, अब दोबारा वो टेबल पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए यहाँ पे, तो उस सूरत के लिए अब आपके लिए मैं सोल्यूशन छोड़ रहा हूं कि आप इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। मैंने यहां स्टार्ट करवाने का मकसद ये था कि आपके लिए एक रास्ता बना दूं ताकि आप उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएं। वो रास्ता मैंने आपके लिए बना दिया, आप उस पे चलें। अब आपने ये प्रोग्राम कंप्लीट करके बताना है, करना है, खुद करना है, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पर आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ये कैसे होगा कि वो बार बार टेबल पे ना आए, हमें यहां पे पूछे, अगर हम यस प्रेस करते हैं तो वो करे और अदरवाइज वो वापस वहीं पे आ जाए। जैसे मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं कि जी अगर ये था तो हम इसको चलाते हैं, अगर वो वन प्रेस करता तो वो दोबारा उसके अंदर आएगा टेबल के अंदर। जैसे देखें, वन प्रेस किया तो दोबारा टेबल के अंदर आया। सॉरी, इसके अंदर हमने थोड़ा वो प्रोग्राम चेंज थोड़ा सा किया था, देखे ना, बाहर ले गए थे हम ये। देखिए, अगर मैं 43 का टेबल बनाया, मैं वन करता हूँ तो दोबारा टेबल पे वो आ गया। मैं जब तक वन करता रहूंगा वो टेबल जनरेट करता रहेगा मेरे लिए, जब तक वन प्रेस, जैसे टू प्रेस करूंगा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब वो वन और टू के अलावा वो वैल्यू एंटर करेगा, तो उस सूरत में आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज योर टास्क। वन और टू के अलावा को वैल्यू एंटर कर देता है, या एक प्रॉब्लम का रुख इस तरह भी बोल लेते हैं कि प्रेस वाई फॉर यस, प्रेस एन फॉर नो, या राइट यस फॉर यस और नो फॉर नो, या जिस तरह भी आप इसको लेके चलना चाहते हैं आप करें, और इसको आपने कंप्लीट करना है। मैं इसको फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, आपके लिए इतना ही काफी है कि मैंने इसको फोर लूप को चलाना आपको सिखा दिया। ये प्रोग्राम मैंने पूरा कंप्लीट आपको करके दिखा दिया। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है, अभी हमने जो बात की है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। याद रखिएगा, इनके अपने पूरे एक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वी हैव सीन दैट इन अ व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप वी राइट अ स्टेटमेंट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज द स्टेटमेंट लाइक काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन विच एड वन टू द वेरिएबल काउंटर। सो दिस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट इज सो कॉमन दैट इज यूज almost in every repetition structures, while loop, do while or for loop, in तीनों के अंदर ये increment या decrement लाजमी होना है। अगर आप by one increment करना चाहते हैं तो C++ क्या करता है, आपको unary operator provide करता है। The C++ provide language provides a unary operator that increase the value of its operator by one। ये बार बार पूरी line लिखने के बजाय अगर आप simple इतना सा काम करते ना, counter plus plus, तो ये उसका अल्टरनेटिव है। सो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप प्लस प्लस लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, माइनस माइनस करेंगे तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। दिस स्टेटमेंट काउंटर इज इक्विवेलेंट टू काउंटर प्लस वन कैन बी रिप्लेस विद द स्टेटमेंट काउंटर प्लस प्लस। अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे करने लगा हूं, ये कंट्रोल का वेरिएबल था, मैं सिंपल यहां पे प्लस प्लस लिख देता हूं। देखिए, ये भी वही काम करेगा जो उसने किया है। तो ये C++ की एक लाइब्रेरी है। अब देखें, हम कोड रिड्यूस करने की तरफ आ गए हैं। देखें, उसने टेबल जनरेट कर दिया, तो अब हम कोड रिड्यूस करने की तरफ जा रहे हैं। दिस स्टेटमेंट काउंटर प्लस प्लस एड्स वन टू द वेरिएबल काउंटर। सिमिलरली द एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई प्लस वन एंड जे इज इक्वल टू जे प्लस वन आर इक्वल टू आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज, देयर इज आल्सो एन ऑपरेटर माइनस माइनस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।